बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर जाहिद हुसैन लेक्चर्स ऑन बिजनेस लॉ के साथ हाजिर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012 और उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 वर्कर्स पार्टिसिपेशन। इसके लिए आपको स्टडी करना होंगे सेक्शन 23 से लेकर सेक्शन 28 तक, और इस लॉ को डाउनलोड करने के लिए आप इन लिंक्स को यूज कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 वर्कर्स पार्टिसिपेशन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं मुख्तसर तौर पर ब्रीफ कर दूं। इस चैप्टर में बेसिकली हम ये स्टडी करेंगे कि वर्कर्स या वर्कमैन जो किसी फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, वो मैनेजमेंट के कामों में किस हद तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनको पार्टिसिपेशन की किस हद तक लॉ इजाजत देता है, ये हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। इस चैप्टर में सेक्शन 23 शॉप स्टीवर्ड से मुतल्लिक है। किसी भी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में जहां पे वर्कर्स की तादाद 25 या 25 से अबव हो, वहां पे एक शख्स एज शॉप स्टीवर्ड जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। शॉप स्टीवर्ड उन्हीं वर्कमैन में से होगा जो उस फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, चाहे वो किसी शॉप सेक्शन में काम करते हैं या किसी डिपार्टमेंट में से। उसी डिपार्टमेंट में से एक बंदे को एज शॉप स्टीवर्ड जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा या इलेक्ट किया जाएगा। इसमें दो कंडीशंस माइंड में रखना होगी, जैसा कि सब सेक्शन 1 की क्लॉज ए में कहा गया है कि अगर उस फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट में ऑलरेडी कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट खुद जो है ऐसे वर्कमैन को नॉमिनेट करेगा एज शॉप स्टीवर्ड। और क्लॉज बी के मुताबिक ये कहा गया है कि अगर किसी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट अगर नहीं है, तो शॉप स्टीवर्ड को जो है उन्हीं वर्कमैन में से इलेक्ट करना पड़ेगा जो उस फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं। और उसको इलेक्ट करने का तरीकाकार ये होगा, एक सीक्रेट बैलेट होगा और उस सीक्रेट बैलेट के तहत जो है उसको इलेक्ट किया जाएगा। सब सेक्शन 2 ये कहता है कि एम्प्लॉयर तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा इलेक्शन के हवाले से, जो इलेक्शन होने जा रहे हैं शॉप स्टीवर्ड की इलेक्शन के हवाले से, उसको इलेक्ट करने के हवाले से तमाम फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा एम्प्लॉयर जो है वो बैलेट जो है होल्ड करवाएगा, यानी वहां पे इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा। लेकिन लॉ ने ये कहा है कि बट शल नॉट इंटरफियर, कि वो किसी भी सूरत में बैलेट में इलेक्शन में वोटिंग में इंटरफेरेंस नहीं करेगा और ना ही किसी भी हवाले से किसी भी तरीके से अपना इन्फ्लुएंस जो है इलेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि शॉप स्टीवर्ड जो है जब इलेक्ट हो जाता है या नॉमिनेट हो जाता है, एक साल तक अपने ओहदे पर बरकरार रह सकेगा। इसकी डेट उस वक्त स्टार्ट होगी जब उसको इलेक्ट किया गया था या जब उसको नॉमिनेट किया गया था। उस नॉमिनेशन या उस इलेक्शन की डेट से ऑनवर्ड जो है वो एक साल तक अपने ओहदे पर बरकरार रह सकता है। सबसेक्शन 4 ये कहता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है इलेक्शन के हवाले से, शॉप स्टीवर्ड के इलेक्शन के हवाले से कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो ये मामला जो है ये रजिस्ट्रार को रेफर कर दिया जाएगा और रजिस्ट्रार का जो डिसीजन होगा इस हवाले से वो फाइनल होगा और तमाम पार्टीज पे वो डिसीजन बाइंडिंग होगा और तमाम पार्टीज को उसको फॉलो करना जरूरी होगा। सेक्शन 24 में फंक्शंस ऑफ स्टीवर्ड बयान किए गए हैं कि स्टीवर्ड के फंक्शंस क्या होंगे, क्या परफॉर्म करेगा अपने फंक्शंस। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि शॉप स्टीवर्ड बेसिकली वर्कमैन में से ही होगा और उसको या तो इलेक्ट किया जाएगा या उसको नॉमिनेट किया जाएगा। इलेक्शन या नॉमिनेशन के बाद जैसे ही वो अपने फर्ज संभालता है, वो ये किरदार अदा करेगा अपने उस फैक्ट्री में या अपने एस्टेब्लिशमेंट में। वो एज अ लिंक बिटवीन द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर काम करेगा, एक लिंक का काम करेगा एम्प्लॉयर्स के दरमियान और अपने जो वर्कर्स साथी हैं वर्कमैन हैं उनके दरमियान एक लिंक का काम करेगा। वो असिस्ट करेगा अपने एम्प्लॉयर को कि इम्प्रूव किया जा सके अरेंजमेंट्स जिनका ताल्लुक है फिजिकल वर्किंग कंडीशंस के साथ और प्रोडक्शन वर्क के साथ। जो फिजिकल वर्किंग कंडीशंस हैं एम्प्लॉयर्स की, उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी एम्प्लॉयर के साथ मिलके, और एम्प्लॉयर के साथ मिलके और वर्कमैन के साथ मिलके उनको मोटिवेट किया जाएगा कि जो एम्प्लॉयर का प्रोडक्शन वर्क है उसको बेहतर किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। तो लिहाजा यहाँ पे दोनों तरह के फंक्शंस आ गए कि वो अपने एम्प्लॉयर के लिए प्रोडक्शन वर्क को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा
और अपने जो साथी एम्प्लॉयज हैं, वर्कमैन हैं, वर्कर्स हैं, उनकी जो फिजिकल वर्किंग कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए अपने एम्प्लॉयर को असिस्ट करेगा। प्रोडक्शन वर्क की जहाँ तक बात है, चाहे उसका ताल्लुक शॉप सेक्शन के साथ हो या उसका डिपार्टमेंट के साथ हो जहाँ पर वो इलेक्ट हुआ था, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए वो कोशिश करेगा और एक लिंक का किरदार अदा करेगा। इसके अलावा शॉप स्टेवर्ड जो है वो हेल्प करेगा अपने वर्कर साथियों की, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स उन वर्कर साथियों को आता है किसी वर्क कंडीशन के हवाले से, काम के हवाले से, वो उनकी सेटलमेंट की कोशिश करेगा कि उन एम्प्लॉयर और वर्कमैन के दरमियान सेटलमेंट हो जाए। तो शॉप स्टीवर्ड का यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट रोल होगा जो कि वो प्ले करेगा। लेकिन अगर कोई भी मामला जो इंडिविजुअल ग्रीवेंस का है किसी वर्कमैन का, जैसा कि रेफर किया गया सेक्शन 33 में, उसके हवाले से भी वो सेटलमेंट की मुकम्मल कोशिश करेगा। सेक्शन 25 में वर्क्स काउंसिल का जिक्र है। सब सेक्शन 1 में ये कहा गया है कि हर फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में जहां वर्कर्स की जो तादाद है वो 50 या 50 से अबव हो, वहां एक वर्क काउंसिल जो है वो एस्टेब्लिश की जाएगी। और यहाँ पे यह बात जरूरी है कि उस फैक्ट्री या उस काउंसिल में 12 मंथ्स तक जो है वो वर्कर्स की स्ट्रेंथ जो है वो 50 या 50 से अबव हो, ये बात जरूरी है, मैंडेटरी है। अदरवाइज वर्क काउंसिल की फिर वहां पे जरूरत नहीं होगी अगर स्ट्रेंथ जो 50 से कम हो, एक बात। और दूसरी बात ये कि एक साल में जो इतनी तादाद है 50 से कम रही हो, अगर सपोज करें कि किसी महीने में स्ट्रेंथ 60 तक हो जाती है लेकिन 11 माह तक जो है वो तादाद अगर 40 या 35 या 30 रहती है, तो तब लॉ जो है वो ये कहता है कि ये रूल वहां पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एक साल तक जो स्ट्रेंथ है वर्कमैन की वो 50 नहीं रही है, ये कंडीशन फुलफिल करना मैंडेटरी है। एम्प्लॉयर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक प्रेस्क्राइब मैनर में, जैसे कि लॉ ने कहा है, एक वर्क काउंसिल। वर्क काउंसिल जो है वो मुश्तमल होगी जो एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उन पे मुश्तमल होगी, और जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वर्कमैन के, बशर्त ये कि ये जो कंडीशन हमने ऊपर डिस्कस की है ये अगर फुलफिल हो जाती है तो वर्क काउंसिल जो है वो एस्टेब्लिश की जाएगी, जो कि एम्प्लॉयर और वर्कमैन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स पे मुश्तमल होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना जरूरी है, इम्पोर्टेंट कंडीशंस में ये होगी कि जो वर्क काउंसिल में रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे एम्प्लॉयर के और वर्कमैन के, उनकी जो तादाद है वो सेम होनी चाहिए, यानी यहाँ पे क्लियर ये मेंशन कर दिया गया है, नॉट लेस देन द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एम्प्लॉयर इन द वर्क काउंसिल, कि जो वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव्स की जो तादाद है वो एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स की तादाद से कम नहीं होनी चाहिए वर्क्स काउंसिल में। हम सपोज करते हैं कि अगर एम्प्लॉयर 5 मेंबर्स को जो है वो तैयार करता है रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे, कि वो वर्क काउंसिल में मेंबर के तौर पे अपने फ्रेश सर अंजाम देंगे, तो 5 ही फिर वर्कमैन की तादाद होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉयर 5 रिप्रेजेंटेटिव्स अपने पेश करे तो इतनी ही तादाद में, यानी 5 वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो मेंबर्स बनेंगे, और इन 10 लोगों पे 10 लोगों पे कंसिस्ट होगी वर्क्स काउंसिल। सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि अगर किसी भी फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट में जहां पे एक या एक से ज्यादा ट्रेड यूनियंस मौजूद हैं, उस सूरत में जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट है वो नॉमिनेट करेगी वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव्स को जो वर्क्स काउंसिल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में कोई बार्गेनिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट अगर नहीं है, तो फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वर्कमैन के, उनको वर्क्स काउंसिल के लिए उनको चूज करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जो प्रेस्क्राइब मैनर है, लॉ ने जो मैनर प्रेस्क्राइब किया है या जो रूल्स के मुताबिक तरीकाकार बनेगा उसके मुताबिक उन वर्कमैन को जो है वो वहां से इलेक्ट किया जाएगा या उनको नॉमिनेट किया जाएगा रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे, ताकि वो वर्क्स काउंसिल का हिस्सा बन सके। सेक्शन 26 वर्क्स काउंसिल के फंक्शन से रेलेवेंट है, और लॉ में ये कहा गया है कि वर्क्स काउंसिल का जो बेसिक फंक्शन होगा वो ये होगा कि जो मेजर्स हैं
सिक्योरिंग के लिए या प्रिजर्विंग के लिए गुड रिलेशन बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड हिज वर्कमैन, ये इसके फंक्शंस में शामिल है। अपने एम्प्लॉयर और वर्कमैन के दरमियान अच्छे ताल्लुकात बनाना, उनको बरकरार रखना, उनको महफूज रखना बेसिक फंक्शन में शामिल है वर्क्स काउंसिल के, ये इनका बेसिक फंक्शन है। इसके अलावा इन ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं, सेक्शन 26 के क्लॉज ए में जैसा कि कहा गया है, टू एंडेवर टू मेंटेन कंटिन्यूस सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन। मुस्तकिल तौर पे और मुसलसल जो है हमदर्दी का मुजाहरा किया जाएगा दोनों पार्टीज की जानिब से, यानी एम्प्लॉयर की जानिब से और वर्कमैन की जानिब से, और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाएगी एम्प्लॉयर और वर्कमैन के दरमियान, ताकि वो हमदर्दी के साथ और एक दूसरे को प्रॉपर तौर पे समझ के मामलात को कंटिन्यू कर सके अपनी फैक्ट्री या मिल में, उस काम को जो काम वर्कमैन कर रहे हैं या जिस काम के लिए उनको अपॉइंट किया गया है किसी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में। क्लॉज बी में ये कहा गया है कि अगर कभी भी कोई डिफरेंसेस अराइज होते हैं, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है एम्प्लॉयर और वर्कमैन के दरमियान, वर्क्स काउंसिल का फंक्शन होगा कि वो प्रमोट करे सेटलमेंट को, ताकि उनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको रिमूव किया जा सके। इनको रिमूव करने का बेहतर तरीका जो वो प्रिस्क्राइब कर सकती है वर्क्स काउंसिल, वो है बायलैटरल निगोशिएशंस। बायलैटरल निगोशिएशंस से मुराद है दो तरफ से जो है वो गुफ्तगू शनीद की जाए, दोनों पार्टीज की जानिब से, यानी एम्प्लॉयर की जानिब से और वर्कमैन की जानिब से गुफ्तगू शनीद की जाए, और गुफ्तगू शनीद के जरिए अपने जो इख्तलाफात हैं, जो तनाज़ात हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाए। इसको, इस फंक्शन को वर्क्स काउंसिल जो है वो प्रमोट करेगी ताकि मामला सेटल हो सके। क्लॉज सी में ये कहा गया है कि इसके एक फंक्शन में ये भी शामिल है कि वो जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी सिक्योरिटी के लिए इकदाम करे, उसको प्रमोट करे, और वर्कमैन की जो कंडीशन है चाहे उसका ताल्लुक सेफ्टी मेजर्स के साथ है, हेल्थ मेजर्स के साथ है या जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ है, इनको बेहतर से बेहतर बनाया जाए ताकि उनके जो जॉब है वो सिक्योर हो सके वर्कमैन की। क्लॉज डी में ये कहा गया है कि वर्क्स काउंसिल के फंक्शन में ये भी शामिल है कि वो ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करेगी जिससे वो फैसिलिटेट करेगी गुड एंड हार्मोनियस वर्किंग कंडीशन को किसी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में। किसी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में जो हालात हैं काम करने के, वो बड़े उम्दा होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए और पुरअमन होने चाहिए, इसको बरकरार रखने की कोशिश करेगी वर्क्स काउंसिल। इसके अलावा वर्क्स काउंसिल जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी वर्कर्स को या वर्कमैन को, एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी जो वर्कमैन के बच्चे हैं उनके लिए, या कोई सेक्रेटरियल या अकाउंटिंग के जो प्रोसीजर्स हैं इस हवाले से इकदाम बेहतर करेगी, इनको प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी, और वो ये भी कोशिश करेगी कि जो वर्कमैन हैं उनके बच्चों को एब्जॉर्ब किया जाए उन डिपार्टमेंट्स में जो फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखते हैं, जिस फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट में वो काम करते हैं, उन वर्कमैन के बच्चे जो हैं उन बच्चों को तहफ़ दिया जाए, ताकि उनके वालिद के बाद या उनके जो बड़े वहाँ पे काम करते हैं उनके बाद उनको भी फैक्ट्री में इस्टेब्लिशमेंट में काम करने का मौका दिया जाएगा और उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा वहाँ पे, उनको वहाँ पे मुलाजमतें दी जाएगी उसी फैक्ट्री और उसी एस्टेब्लिशमेंट में। अगर ये इकदाम होते हैं जाहिर बात है कि वर्कमैन काफ़ी सेटिस्फाई होगा कि वो भी अगर बरसरे रोज़गार है तो उसके बाद उसके बच्चे भी जो हैं उसी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में बरसरे रोज़गार हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा इकदाम है जो कि वर्क काउंसिल की मदद से हो सकता है। क्लॉज ई में ये कहा गया है कि इसमें और भी मामला डिस्कस किए जाएंगे जिसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट होगा दोनों पार्टीज का, यानी एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का, और इनका जो बुनियादी मकसद है इस अंदाज से ये मामला डिस्कस किए जाएंगे कि प्रमोट किया जा सके बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस को, कि जो लेबर है और जो मैनेजमेंट है उनके जो ताल्लुकात है उनको बेहतर तौर पर मैनेज किया जाए, और लेबर को भी प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए। इसमें दोनों मामला आ जाते हैं, लेबर की मैनेजमेंट बेहतर अंदाज से हो जाए और मैनेजमेंट और लेबर के दरमियान, यानी मैनेजमेंट और जो वर्कमैन है उनके दरमियान ताल्लुकात को
बेहतर बनाया जा सके। सेक्शन 27 जो है ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट से मुतल्लिक है। किसी भी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे 50 लोग या 50 लोगों से ज़्यादा लोग काम करें एज वर्कमैन, वहाँ इलेक्ट किए जाएंगे या नॉमिनेट किए जाएंगे वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को, ताकि वो पार्टिसिपेट करें 50% की हद तक मैनेजमेंट में। जो फैक्ट्री की मैनेजमेंट है उसमें 50% जो है पार्टिसिपेशन वो उन वर्कर्स की होनी चाहिए जो उस फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट कंडीशन जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं वो ये है कि अगर वर्कमैन की तादाद 50 या 50 से अबव है तब ये रूल अप्लाई होगा और वहाँ पे वर्कर्स के पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी। इसमें फर्दर ये कहा गया है कि कम अज कम एक जो वर्कमैन का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इलेक्ट होना या नॉमिनेट किया जाना जरूरी है किसी भी फैक्ट्री में, ताकि वो मैनेजमेंट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सके अपने वर्कमैन को रिप्रेजेंट करते हुए। एक और कंडीशन में आयद की गई है वो ये कि अगर उनकी जो तादाद है उनको हमेशा इस तरह रखा जाएगा कि उसमें फ्रैक्शन ना आए। यानी अगर तादाद हम देखते हैं कि 2.6 जो वर्कमैन है उनको पॉइंट किया जाएगा तो 2.6 वर्कमैन नहीं हो सकते, तो लिहाजा वहां पे वर्कमैन की तादाद होगी 3। अगर 2.4 हो या 2.3 वर्कमैन अब वहां पे पॉइंट किए जाने हैं उस तनासुब के एतबार से, तो 2.3 का मतलब है 2 वर्कमैन। अगर 2.6 या 2.8 हो तो इसका मतलब है 3 वर्कमैन जो है वहां पे अपॉइंट किए जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि ग्रेटर देन 1/2 शैल बी रिगार्डेड एज 1। हाफ से अगर तादाद ज्यादा हो जाती है फ्रैक्शन में तो वो 1 कंसिडर किया जाएगा। यानी अगर वर्कमैन जैसे कि हमने डिस्कस किया 2.6 चाहिए, इसका मतलब है 3 वर्कमैन जो है वहां पे अपॉइंट किए जाएंगे, बाकी जो लेसर होगी तादाद उसको इग्नोर किया जाएगा फ्रैक्शन में। वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो ऐसे वर्कमैन होंगे जो उसी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयड हो, ये इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन है। बाहर से या किसी और फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट से कोई वर्कमैन जो है यहाँ पे इस वर्कर्स की पार्टिसिपेशन के लिए यहाँ नहीं आएगा इस एस्टेब्लिशमेंट में। सबसेक्शन 2 के क्लॉज ए में कहा गया है कि जहाँ पे तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट है किसी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में वो नॉमिनेट करेगी इन वर्कमैन को, लेकिन अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट नहीं है तो उनको इलेक्ट किया जाएगा उन वर्कमैन को जो रिप्रेजेंट करेंगे अपने वर्कमैन को। और उसका तरीकाकार यही है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल मेजोरिटी के साथ एक सीक्रेट बैलेट होगा और वहाँ पर जो वर्कमैन है अपने जो साथी होंगे उनका चुनाव करेंगे, उनको इलेक्ट करेंगे अपने उस फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन के लिए। और ये रूल उसी से मिलता जुलता है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इलेक्शन के हवाले से। सबसेक्शन 3 में कहा गया कि वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो अपना जो ऑफिस है अपना जो ओहदा है उस पर बरकरार रह सकेंगे 2 साल तक। यानी जिस स्टेट को इलेक्शन हुआ था या जिस स्टेट को उनकी नॉमिनेशन हुई थी उस दुरानिये से लेके ऑनवर्ड 2 ईयर्स तक के लिए वो अपने ओहदे पर बरकरार रह सकेंगे और मैनेजमेंट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। सबसेक्शन 4 ये कहता है कि वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे उन तमाम मीटिंग्स में जो मैनेजमेंट की मीटिंग्स होंगी और जो कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी एक प्रेस्क्राइब मैनर में, यानी वो तरीकाकार जो रूल्स के तहत या अकॉर्डिंग टू लॉ बताया गया उसको फॉलो करते हुए वर्कर्स जो हैं वो तमाम मैनेजमेंट की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे और तमाम मैटर्स में वो मैनेजमेंट के मैटर्स में पार्टिसिपेट करेंगे जनरली। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है कि वो मीटिंग्स जिनका ताल्लुक कमर्शियल मामलों के साथ है, जिनका ताल्लुक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ है, उन मीटिंग्स में वर्कर्स की जो पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट के मामलों में वो नहीं होगी। ये बात यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
मैनेजमेंट के अफेयर्स में वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे उन तमाम मीटिंग्स में जिनका ताल्लुक मैनेजमेंट के मामलों के साथ है। लेकिन वो मामला जिनका ताल्लुक कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के साथ है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ है, ऐसी मीटिंग्स में वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सबसेक्शन 5 में ये कहा गया है कि मैनेजमेंट जो है कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं करेगी विदाउट द एडवाइस इन राइटिंग ऑफ द वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव, कि वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं होंगे उनकी एडवाइस जो होगी इन राइटिंग, उनके बगैर कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं करेगी जिनका ताल्लुक इन मामलों के साथ हो। ये मामलों कौन से हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है एम्प्लॉयर्स के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, कि वो वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की एडवाइस के बगैर ये रिजोल्व नहीं कर सकते, वो मामला क्या है अब हम उसे उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि क्लॉज ए में कहा गया फ्रेमिंग ऑफ सर्विस रूल्स, जो एम्प्लॉयज के वर्कर्स के वर्कमैन के जो सर्विस रूल्स हैं जब वो फ्रेम करेंगे अपने फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए, लाजमी है कि वो वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी एडवाइस को हमेशा मद्देनजर रखेंगे और उनके बगैर ऐसे मामलों को वो तय नहीं करेंगे। क्लॉज बी में कहा गया है चेंजिंग फिजिकल वर्किंग कंडीशंस, जो वर्किंग कंडीशंस लॉ ने प्रिस्क्राइब कर दी हैं उनको फॉलो किया जाएगा, या जो ऑलरेडी राइज थे फिजिकल वर्किंग कंडीशंस और वो वर्कर्स के लिए वर्कमैन के लिए मुनासिब हैं, मौजू हैं, अप्रोप्रिएट हैं, उनको कंटिन्यू रखा जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से किसी चेंज की जरूरत है तो लाजमी है कि मैनेजमेंट वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी एडवाइस जो थी इन राइटिंग उसको फॉलो करेगी। क्लॉज सी में कहा गया कि जो सर्विस ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स के मुतलक मामलात हैं ये भी उसमें फॉल करेंगे। जहाँ पे रिक्रिएशन है या वर्कर्स की वेलफेयर के मामलात हैं उसके लिए भी मैनेजमेंट जो है ये वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के एडवाइस को जो है वो फॉलो करेगी। इसी तरह अगर रेगुलेट करना है डेली वर्किंग आवर्स को और ब्रेक्स को वर्कमैन की, उसके लिए भी जरूरी है कि मैनेजमेंट वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की जो एडवाइस है इन राइटिंग उसको फॉलो करें। और इसी तरह अगर लीव के शेड्यूल्स प्रिपेयर करने हैं तो उसमें भी मैनेजमेंट फॉलो करेगी वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स के एडवाइस को। इसी तरह और जो मामलात है जिनका ताल्लुक वर्कर्स के कंडक्ट के साथ है उसी फैक्ट्री और उसी एस्टेब्लिशमेंट में, उनको फाइनलाइज करने के लिए जरूरी है कि वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ जो है वो उनके कॉन्सेंट ले मैनेजमेंट, और उनके जो एडवाइस है इस हवाले से उसको फॉलो किया जाए। सबसेक्शन 6 ये कहता है कि वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपनी मर्जी से कोई भी एडवाइस दे सकते हैं इन राइटिंग मैनेजमेंट को, जिसमें वो ये समझते हैं कि इसमें उनके जो है वो जॉब सिक्योरिटी के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनको रिजोल्व किया जाना जरूरी है, या कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो उनके लिए मुनासिब हैं, अप्रोप्रिएट हैं, बेहतर हैं, जरूरी हैं। और इस हवाले से जो मैनेजमेंट होगी जब ये एडवाइस दी जाएगी इन राइटिंग, तो मैनेजमेंट जो है एक मीटिंग कन्वीन करेगी 2 हफ्तों तक, यानी जैसा ही एडवाइस दी गई उस एडवाइस के 2 हफ्तों के अंदर अंदर मीटिंग कन्वीन करना जरूरी है, और उस मीटिंग को कन्वीन करने के बाद जो है मैनेजमेंट रिप्लाई करेगी वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को कि उन्होंने जो एडवाइस दी थी उस एडवाइस का जो है वो क्या आउटकम है या क्या रिजल्ट है या उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और ये जो एडवाइस का रिजल्ट है वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को विद इन 2 वीक्स दिया जाना जरूरी है इन अकॉर्डेंस विद दैट लॉ। सबसेक्शन 7 में ये भी कहा गया है कि सबसेक्शन 7 में एक और इम्पोर्टेंट रूल बताया गया है वो ये कि वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी जो एडवाइस है उसको किसी भी सूरत में जो मैनेजमेंट है वो रिजेक्ट नहीं करेगी। अलबत्ता इसमें एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है कि जो मैनेजमेंट के हाईएस्ट पोजीशन होल्ड करने वाले लोग हैं वो उसको जो है वो कर सकते हैं। यानी मैनेजमेंट तो रिफ्यूज नहीं करेगी या रिजेक्ट नहीं करेगी जो एडवाइस दी जाएगी वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की जानिब से। अलबत्ता जो हाईएस्ट पोस्ट रखने वाली जो अथॉरिटी होगी मैनेजमेंट की,
यानी चीफ एग्जीक्यूटिव साहब या फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो ऑनर हैं, अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो उस सूरत में वो एडवाइसरी रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन सब सेक्शन 8 में ये कहा गया है कि अगर ऐसे एडवाइस रिजेक्ट हो जाती है वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की जानिब से जो दी गई थी, तो रिजेक्शन के 15 दिनों के अंदर अंदर ये ज़रूरी है कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट जो है इस मामले को वर्क्स काउंसिल में ले जाएगी, और इसका पर्पज़ ये होगा कि वहाँ पे इस मामले को बायलैटरल निगोशिएशन से रिजॉल्व किया जाए। अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है या डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं मैनेजमेंट में और वर्कमैन के दरमियान, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए वर्क्स काउंसिल जो है वो इसको हर मुमकिन कोशिश करेगी कि मामला को रिजॉल्व किया जाए और इनको वहाँ पे सेटल कर दिया जाए। इन मामला को जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने जा रहा है या हो रहा है, तो इसको वहीं पे ही वर्क काउंसिल में ही जो है वो सेटल कर दिया जाए, ये कोशिश की जाएगी। सेक्शन 28 जो है ये जॉइंट मैनेजमेंट बोर्ड से मुतल्लिक है। हर कंपनी जो ऑन करती है या मैनेज करती है किसी फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट को, यानी हर कंपनी जिसकी कोई फैक्ट्री है या एस्टेब्लिशमेंट है और उसकी मालिक है या वो उसको मैनेज कर रही है, हर फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में जो कि उसको ऑन नहीं करती या मैनेज नहीं करती, लेकिन उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके तादाद 50 या 50 से अबव है, वहाँ पे एक जॉइंट मैनेजमेंट बोर्ड सेटअप किया जाएगा, जॉइंट मैनेजमेंट बोर्ड एस्टेब्लिश किया जाएगा, और जहाँ पे वर्कर्स की जो पार्टिसिपेशन है वो 30% तक होगी। ये मैंडेटरी है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 28। यहाँ पे ये बात याद रखना जरूरी। लिहाजा सेक्शन 28 के सब सेक्शन 1 के मुताबिक जो वर्कमैन है उस एस्टेब्लिशमेंट या फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो 30% तक होगी। और सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जो एम्प्लॉयर्स की रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो भी जॉइंट मैनेजमेंट बोर्ड का हिस्सा होंगे, लेकिन वो बेसिकली उस फैक्ट्री या उस कंपनी के डायरेक्टर्स में से लोग रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाएंगे या नॉमिनेट किए जाएंगे या सीनियर एग्जीक्यूटिव्स में से किए जाएंगे, और वो उस फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट में जो है वो काम कर रहे होंगे। यानी डायरेक्टर्स और जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं उस कंपनी के, उनका ताल्लुक भी उसी स्पेसिफिक फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट से होना चाहिए, और जो वहाँ पे वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी वही वर्कमैन होने चाहिए जो कि एम्प्लॉय किए गए हों उसी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में से। सबसेक्शन 3 के मुताबिक जॉइंट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो इन मामलों को देखेगा, जैसा कि क्लॉज ए में कहा गया है, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को देखेगा, फिक्सेशन ऑफ जॉब एंड पीस रेट्स ये मामलों को तय करेगा, और जो प्लान रीग्रुपिंग है या ट्रांसफर ऑफ वर्कर्स है इन मामलों को लुक आफ्टर करेगा, और जो ले डाउन किए जाएंगे प्रिंसिपल्स फॉर रिम्यूनरेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू रिम्यूनरेशन मेथड, जिस अंदाज से या जिस रेट से उनको सैलरीज दी जा रही थी या वेजेस पे की जा रही थी वर्कमैन को या वर्कर्स को, उन उसूलों को ये देखेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो नए जो रिम्यूनरेशन के मेथड्स हैं वो अडॉप्ट किए जा सकते हैं। हम सपोज कर सकते हैं कि अगर किसी को कैश वेजेस दी जा रहे थे, कैश पेमेंट दी जा रही थी और रजिस्टर्स पर उससे सिग्नेचर लिए जा रहे थे और उसके बाद उसको कैश के सूरत में अकाउंटेंट पे कर रहे थे, ये मेथड था, ऐसा हो सकता है कि नए रिम्यूनरेशन के मेथड अडॉप्ट करवा दिए जाएं, उनको एटीएम कार्ड दे दिए जाएं और उनको उसका पासवर्ड बता दिया जाए ताकि वो अपनी जो वेजेस हैं या सैलरी है वो डायरेक्टली किसी भी एटीएम मशीन से विड्रॉ करवा लें, और उन्हें जो है वो इस तरह अकाउंटिंग के मेथड के जरिए जो मैनुअल सिस्टम है उसके तहत जो है वो पेमेंट वसूल ना करना पड़े, ऐसा हो सकता है। क्लॉज ई में कहा गया है कि जो मिनिमम फैसिलिटीज हैं वर्कर्स के लिए जो वहाँ पे एम्प्लॉय किए गए हैं उसके हवाले से जो है ये रूल्स फ्रेम किए जाएंगे जो वर्कर्स की वेलफेयर के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। यानी अगर कोई वर्कमैन कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपॉइंट किया जाता है या एम्प्लॉय किया जाता है उस एस्टेब्लिशमेंट में जिसको लॉ कवर नहीं करता, तो उनके वेलफेयर के लिए जो है वो इकदाम किए जा सकते हैं ज्वाइंट मैनेजमेंट बोर्ड के थ्रू। सबसेक्शन 4 ये कहता है कि ज्वाइंट मैनेजमेंट बोर्ड जो है
ये किसी भी किस्म की कोई रीजनेबल इंफॉर्मेशन कंपनी से मतलब या फैक्ट्री से मतलब या एस्टेब्लिशमेंट से मतलब उसके मैनेजमेंट से वसूल कर सकता है। और जैसे ही ये वसूल करने का ऑर्डर करेंगे तो ये मैनेजमेंट की ड्यूटी होगी कि जैसे इंफॉर्मेशन कॉल की जाए तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो जॉइंट मैनेजमेंट बोर्ड को सप्लाई करते हैं। सबसेक्शन 5 में ये कहा गया है कि जॉइंट मैनेजमेंट बोर्ड जो है ये मीटिंग्स भी करेंगे और जो भी इंटरवल्स इन्होंने तय किए हैं उन इंटरवल्स के दौरान या उन उन इंटरवल्स तक जो है ये मीटिंग करते रहेंगे जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है। इसी तरह सब सेक्शन 6 में ये कहा गया है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो अपने ओहदे पर तब तक बरकरार रह सकेंगे जब तक इनको एक टाइम फ्रेम तय किया गया है उसको फॉलो करते हुए जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है। यानी यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं दिया गया जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं 1 साल तक टाइम लिमिट है या 2 साल तक है। इसी तरह मीटिंग में जैसा कि हमने देखा कि कुछ मीटिंग्स 3 माह में एक मरतबा होना जरूरी है, कुछ साल में एक मरतबा जरूरी है, तो यहाँ पे भी मीटिंग का टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। ये भी जो रूल्स प्रिस्क्राइब किए जाएंगे उसके मुताबिक टाइम जो है ये मैनेज करेंगे। इसी तरह जो ड्यूरेशन है इनके मेंबर्स का, जो जॉइंट मैनेजमेंट बोर्ड के मेंबर्स होंगे, इसका भी टाइम लिमिट जो है फिक्स नहीं की गई है, बल्कि ये कहा गया कि जैसा कि प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि उसके मुताबिक अपने ओहदे पे बरकरार रह सकेंगे। सबसेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है दो टर्म्स को, कंपनी और मैनेजमेंट को, जो कि यूज हुए हैं। कंपनी की जो टर्म यहाँ पे यूज हुई है, बेसिकली कंपनी से मुराद वो कंपनी है जिसको डिफाइन किया है कंपनीज एक्ट या कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में, और मौजूदा दौर में अगर देखें तो वो कंपनीज एक्ट ही बनता है, कंपनीज एक्ट 2017। तो कंपनी से मुराद वो इदारा, वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसको डिफाइन किया है लॉ ने। और मैनेजमेंट से मुराद है एम्प्लॉयर, यानी जो कंपनी के एम्प्लॉयर हैं या फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट के, वो एम्प्लॉयर मैनेजमेंट के डेफिनेशन में भी फॉल करते हैं। सबसेक्शन 8 जो है ये क्लियर करता है कि अगर किसी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में एक या एक से ज्यादा ट्रेड यूनियंस है और वहां पे कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट है तो वो इन रिप्रेजेंटेटिव हैं जो वर्कमैन के, उनको वो नॉमिनेट करेगा ज्वाइंट मैनेजमेंट बोर्ड के लिए। और अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट नहीं है तो उसके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ज्वाइंट मैनेजमेंट बोर्ड के वर्कमैन की जानिब से, उनको उस तरीके से चूज किया जाएगा जो तरीकाकार जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया है इस लॉ के तहत। उसके तहत जो है उनको रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया जाएगा और इलेक्ट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है ये इख्तिताम पज़ीर होता है। अल्लाह हाफिज़।